बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू office.com.pk। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपिरेशन, जो कि ट्रांसपोर्ट के चैप्टर के अंदर ही आता है टॉपिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रांसपिरेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? ट्रांसपिरेशन का मीनिंग है इवेपोरेशन, जो कि सरफेस ऑफ द प्लांट के ऊपर से होती है। हर वक्त सरफेस ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट का जो सरफेस होता है, मोस्टली लीव्स, जो कि फोटोसिंथेसिस की भी जो है साइट है, वहाँ से कॉन्स्टेंटली जो वाटर है वो एवेपोरेट हो रहा होता है, यानी कि बुखारात की सूरत में जो है जो एस्केप कर रहा होता है प्लांट को। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ये तीन टाइप्स की होती है, स्टोमेटल, क्यूटिक्यूलर और लेंटिक्यूलर। ये तीन टाइप्स की ट्रांसपिरेशन की टाइप्स हैं। अब हम इनको फर्दर डिस्कस करेंगे कि इन ये थ्री टाइप्स में डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टोमेटल जो ट्रांसपिरेशन है। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के अंदर क्या होता है कि अगर हम इसको थ्रू द हेल्प ऑफ डायग्राम अगर क्रिएट करें, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा लीफ है एंड लीफ के अंदर ये सेल्स हैं, इनको हम कहेंगे मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स जो हैं वाटर डिराइव करते हैं। ये जो है प्लांट का स्टेम हो जाएगा और यहाँ पे अंदर फॉर एग्जांपल हम अगर इसको दूसरे कलर से शो करें, तो दिस विल बी, लेट्स कंसिडर कि ये जो ब्लू कलर से हम जो शो कर रहे हैं, दिस इज जाइलम और जाइलम के अंदर वाटर है। जो हमारे मेसोफिल सेल्स हैं, ये जो सर्कुलर डॉट्स मैंने शो किए हैं, ये वाटर डिराइव करते हैं जाइलम से और वाटर जो होता है वो मेसोफिल सेल्स के अंदर आके इंटर हो जाता है। ये जो ब्लू लाइनिंग शो हो रही है, दिस इज वाटर एंटरिंग द मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स के अंदर एंटर हो जाने के बाद वाटर क्या करता है कि मेसोफिल सेल्स में एंटर हो गया वाटर, नेक्स्ट स्टेप वाटर का क्या होगा, इट्स इनसाइड द मेसोफिल सेल्स। नाउ ये क्या करता है कि इनसाइड तो आ गया, नाउ इट हैज़ टू एस्केप। तो ये क्या करेगा कि मेसोफिल सेल्स के बाहर आ जाएगा। सबसे पहले मेसोफिल सेल्स ने डिराइव किया वाटर को जाइलम से, अपने अंदर तो ले लिया लेकिन वाटर ने उससे बाहर निकलने की कोशिश की और मेसोफिल सेल्स के बाहर एक फिल्म बना दी, यानी कि एक लाइन, एक लेयर सी बना दी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये जो खाली जगह है यहाँ पर मेसोफिल सेल्स के दरमियान, इनको जो है मैं रेड डॉट्स से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ये जो खाली स्पेस है, दिस इज़ नोन एज द एम्प्टी स्पेस और ये एयर स्पेसेस कहते हैं इसको। यहाँ पर सिर्फ हवा होती है, ठीक है। तो मेसोफिल सेल्स के जो पानी था वो बाहर निकलता है और थिन लेयर बनाता है और इस थिन लेयर से भी जो है एस्केप करके एयर स्पेसेस के अंदर आ जाता है। जब एयर स्पेसेस के अंदर आ जाता है तो एयर स्पेसेस में यहाँ मौजूद होते हैं स्टोमेटा, जो इस तरह से ओपनिंग सा स्ट्रक्चर होता है, और वाटर जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू जो है बाहर की तरफ एस्केप हो जाता है इनटू द एनवायरनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जाइलम के थ्रू वाटर जो है मेसोफिल सेल्स अटेन करते हैं। जब वो मेसोफिल सेल्स के अंदर वाटर आ जाता है तो मेसोफिल सेल्स के बाहर वो जाके एक थिन लेयर बना देता है। उस थिन लेयर से भी वो फर्दर ऑन डिफ्यूज होके एयर स्पेसेस के अंदर बाहर जो है चला जाता है। और उसके बाद एयर स्पेसेस के बाद ये जो रेड कलर के मैंने शो किए हैं स्लॉट्स, इन ये स्टोमेटास हैं और स्टोमेटा के थ्रू एस्केप कर जाता है और ये होती है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। बिकॉज इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा इसके अंदर इन्वॉल्व होगा और इसके थ्रू ट्रांसपिरेशन होगी। सो दिस इज़ हाउ द ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन हैपन्स। अब फिर इसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा जो सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन है, दैट इज़ क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होती है, लेट्स स्टडी दैट। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो होती है, ये एक सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन है और ये कहाँ हो रही होती है, इसका भी जो आंसर है इसके जो नाम के अंदर ही है, क्यूटिकल जो होता है उसके थ्रू जो होने वाले ट्रांसपिरेशन होती है उसका नाम है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और क्यूटिकल कहाँ पे मौजूद होता है, जो लीफ की आउटर मोस्ट, ये लीफ है, अगर ये हम इसको अगर लेटरल व्यू से देखें, अगर ये हमारा लीफ है तो लीफ का जो आउटर मोस्ट सरफेस होता है उसके ऊपर एक शाइनी सी लेयर होती है। अगर आप देखें, अगर फ्लैशी लीफ को उठा के देखें किसी भी प्लांट का, फॉर एग्जांपल पाइनएप्पल का या डेट का, तो उसके ऊपर एक बहुत एक फ्लैश, एक शाइनी सी एक लेयर होती है, उस लेयर को कहते हैं। कुछ में ये शाइनी होती है, कुछ प्लांट्स में, कुछ में शाइनी नहीं होती, लेकिन ये हर प्लांट में प्रेजेंट होती है। आउटर मोस्ट लेयर किसी भी लीफ की या जो होती है उसको हम क्यूटिकल का नाम देते हैं, और क्यूटिकल के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होती है, यानी कि जो एवेपोरेशन ऑफ द वाटर होती है, उसको हम क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन का नाम देते हैं। दैट्स ऑल। फिर आ जाता है थर्ड फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन, जिसका नाम है लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन।
ये किस टाइप की ट्रांसपिरेशन है, इसका आंसर भी इसके नेम में ये है. ये लेंटिक्यूल में जो ट्रांसपिरेशन होती है ये उस टाइप की ट्रांसपिरेशन. लेंटिक्यूल कहाँ पे मौजूद होता है मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ. फॉर एग्जांपल ये एक स्टेम है एक प्लांट का, और इस स्टेम में यहाँ पर जो है ब्रांचेस लगी हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के यहाँ पर जो एक नोड टाइप की चीज़ होती है जो कि डिफाइन करती है कि यहाँ पर अब ब्रांच बनेगी एंड दिस एंड दैट यहाँ पर. तो ये जो जगह होती है अलोंग द, कभी नहीं भी होती कहीं पर ब्रांच, कहीं पर ये सिर्फ जगह बनी हुई होती है और ब्रांच नहीं भी होती है. तो ये जो एक स्पॉट सा होता है जिस जो मार्क करता है कि यहाँ पर जो है ब्रांच या तो उगेगी या फिर कभी या उसका भी टाइम होता है उगने में या फिर ऑलरेडी उगी भी होती है, ये जो जगह होती है इसको कहते हैं लेंटिक्यूल. और यहाँ पे से भी जो ट्रांसपिरेशन होती है उसको हम कहते हैं लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन. बस ये इसका इतना सा बेसिक सा कंसेप्ट है. दैट्स हाउ ये थ्री काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होती हैं वो काम करती हैं. स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो होती है वो लीफ के स्टोमेटा के थ्रू होती है. क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो होती है वो लीफ के क्यूटिकल के थ्रू होती है जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग है एक लीफ की. और लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन जो होती है वो स्टेम में मौजूद लेंटिक्यूल्स के थ्रू होती है. सो बेसिकली ट्रांसपिरेशन जो कि एवेपोरेशन ऑफ वाटर है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ प्लांट, ये उसका मेन कंसेप्ट है और ये उसकी थ्री मेन टाइप्स हैं.